सचिवालय से 12 के न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बीमा, बिजली विभाग, कस्टमर डिस्प्यूट, मोटर व्हीकल एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, सिविल क्रिमिनल कंपाउंड जैसे दर्जनों केसों की सुनवाई की गई। आज की लोक अदालत में 548 केस आए, जिनमें से लोक अदालत के चेयरमैन एसके गोयल ने 410 मामलों का तुरंत निपटारा कर दिया। इतना ही नहीं, केसों से संबंधित विभाग पर जुर्माना भी लगाया और कस्टमर को राहत दी गई। आई एम एसके गोयल, चेयरमैन ऑफ द परमानेंट लोक अदालत फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एट फरीदाबाद। हमारे यहाँ हर रोज परमानेंट लोक अदालत लगती है, लेकिन साथ में नेशनल लोक अदालत हर अल्टरनेट मंथ के सेकंड सैटरडे को लगती है, जिसमें कि हर तरह के बैंक केसेस, इंश्योरेंस मैटर्स, बिजली बोर्ड व अन्य इसी प्रकार के केसेस सेटलमेंट के लिए लगते हैं। आज की नेशनल लोक अदालत में हमारे यहाँ तकरीबन 539 केसेस लगे हुए हैं, जिसमें से हमने ऑलरेडी 410 केसेस हरियाणा बिजली बोर्ड के सेटल कर दिए हैं, जिन केसेस के अंदर पार्टी से बोर्ड ने जुर्माना लेके बिजली चोरी के केसेस के अंदर कंपाउंड ऑफेंस को कंपाउंड कर दिया है और वो आज लोक अदालत में हमने डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं। इसके अलावा बाकी केसेस अलग अलग बैंक्स के लगे हुए हैं, जिनके अंदर बोरोवर्स को बैंक की तरफ से काफ़ी रिलीफ दिया जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली 25% उसमें रिबेट बैंक वाले दे रहे हैं, जिसका पब्लिक फ़ायदा भी उठा रही है और हम चाहते हैं कि इस प्रकार की कंसेशन की बातें पब्लिक में ज़्यादा से ज़्यादा बैंक वालों की तरफ से फैलाई जानी चाहिए, ताकि पब्लिक इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सके। गोयल एच एल पीएल है, बाकी सब बता दिया गोयल साहब ने आज के बारे में। इसके अलावा मैं कुछ कहना चाहता हूँ, हमारी अदालत है रेगुलर जो पब्लिक डेफिशिएंसी सर्विस के बारे में देखते हैं, जिसमें आपका मेडिकल क्लेम्स हैं, बिल्डर्स प्लॉट्स हैं, फ्लैट्स हैं, बिजली बोर्ड है, एमसीएफ है, वाटर वर्क्स हैं, रेवेन्यूज़ हैं, हर तरह की जो सर्विस डिफेंस जाती है पब्लिक की उसको हम देखते हैं और वी आर ट्राइंग टू कवर द केसेज पॉसिबल ऑलवेज। आज की डेट में हमारे पास टोटल केसेज फरीदाबाद में 1500 केस हैं, चल रहे हैं और 200 कुछ केसेस हमारे पेरोल में भी हैं। तो हमारा ये पैनल 3 मेंबर्स का है, एक बार चेयरमैन गोयल साहब हैं, एक मैं हूँ और एक हमारे कलीग हैं मिस्टर रूपचंद जी। तो वी लुक आफ्टर द पब्लिक डेफिशिएंसी सर्विसेज आल्सो इन एडिशन टू द लोक अदालत व्हिच आर होल्डिंग टुडे आल्सो। हर रोज कितने केसेस आ जाते हैं एज ऑन टुडे? रेगुलर केसेस रेशो ऑफ 5-10 केसेस में कम, इन ए वीक मे बी 20 केसेस। What is the benefit for the general people of holding these लोक अदालत? उनका क्या benefit है आम आदमी का? Because we are keen to look after the real sufferers, we are keen to help them always under the best possible scenario. We try to consult the cases before litigation always. We try to settle the cases with the counterparties, trying to measure the things so that things must come in the proper way and sufferer must feel happy from this court. And we are also having good results in the courts. अच्छा, पीछे लोक अदालत में ये देखा गया था पीएलए में वो इंटरिम ऑर्डर पास कर सकते थे, मगर आजकल ऐसा नहीं है, तो ये ऐसा क्यों हो गया? इसमें देयर इज अ मैम हाई कोर्ट, देयर इज अ ऑर्डर नाउ विद अस कि वी कैन नॉट गो फॉर ए रिलीफ इन एनी ऑर्डर्स, वी कैन नॉट। इट वाज प्लीज गोइंग ऑन बट आई एम बैंड नाउ।